आप मंजूर अहमद हैं, 52 एज है, और कश्मीर में कहाँ से हैं? श्रीनगर से। मेन तकलीफ बैकेक और दोनों पैरों में ताकत खत्म हो गई 15 दिन से कि 20 दिन? 20 दिन से। और उसके साथ पेशाब और पखाने का कंट्रोल भी खत्म। इट्स अ क्लासिकल केस ऑफ कॉडा इकोना सिंड्रोम, सडन दोनों पैरों में ताकत ऑलमोस्ट जीरो, पेशाब पखाने का कंट्रोल खत्म और साथ में रेक्टल प्रोलैप्स। तो एमआरआई में मैसिव डिस्क प्रोलैप्स, बिग फ्रेगमेंट L5-S1। तो वहाँ पे फिर आपने कश्मीर में दिखाया नहीं 20 दिन? हाँ, 3 दिन में एडमिट हो SMS आ गया। सर्जरी के लिए बोला नहीं उन्होंने? हाँ, सर्जरी बोला मगर वो जिम्मेवार नहीं है, ओपन सर्जरी माइक्रोस्कोप। सो इट वाज अ वेरी गुड केस एंड वेरी डिफिकल्ट केस, L5-S1 मैसिव डिस्क प्रोलैप्स। सो प्लान था आउटसाइड इन, L5-S1 वी डिड इट, वी रिमूव द फ्रेगमेंट। और आज चलना कैसा, चल के दिखाइए। नाउ स्टार्टेड वॉकिंग, पावर इज ऑलमोस्ट ग्रेड 4+, ब्लैडर बाउल विल कम, धीरे धीरे ब्लैडर बाउल भी आएगा। तो अब चल पा रहे हैं, ब्रेक टाइम ऐसा था कि बिस्तर के ऊपर आ गए। और सबसे बड़ी बात है ब्यूटी ऑफ इंडोस्कोप। घूमिए जरा, घूमिए घूमिए मेरी तब, घूमिए और घूमिए और घूमिए और सी द इंसिजन। ये है वो इंसिजन, कैन यू सी? दिखाई भी नहीं देता ऑपरेशन कहां से हुआ। सो इट इज द ब्यूटी ऑफ आउटसाइड इन L5-S1। मैं चलना चालू किया, घूमिए घूमिए घूम जाइए घूम जाइए घूम जाइए। 2 दिन बाद, 2 दिन के बाद ताकत अब आप पैरों में कैसी लग रही है? थोड़ा थोड़ा आते हैं, आ गए वॉकर से चलना। ये धीरे धीरे ब्लैडर बाउल अगर एक बार इन्वॉल्व हो जाए सो इट्स नॉर्मल रिकवरी होती है, स्लो रिकवरी होती है। सबसे पहले मोटर पावर आएगी पैरों में, दर्द नहीं है, ताकत अच्छी है, वॉक अच्छा कर पा रहे हैं, और यहाँ से ब्लैडर बाउल का कंट्रोल धीरे धीरे वापस आएगा। इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन अब दबाव नहीं है, MRI आपका पोस्ट सर्जरी भी हो चुका है, बिल्कुल बढ़िया है। यहाँ से आप धीरे धीरे बढ़िया जाएंगे। कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लगा आपको? शुक्रिया। ऑपरेशन में कोई कट नहीं है, पता भी नहीं लग रहा है, ओपन सर्जरी नहीं है, पता नहीं लगा ऑपरेशन, बैक साइड से देखो दिखाई नहीं देता। ये ब्यूटी है इंडोस्कोप की। एक फोटो लोगे? थैंक यू सो मच।